नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज, देश का सब दिखाते हैं। किसी भी पिता के लिए सबसे बड़ा ऋण ये होता है कि वो उसके ऊपर सामाजिक ऋण ये होता है कि वह अपने पुत्री का विवाह कर ले। परंतु आज के वर्तमान समय में जिस तरीके के हालात, उस हालातों में किसी भी गरीब व्यक्ति के द्वारा अपने पुत्री का विवाह कर पाने में बहुत ही कठिनाइयाँ होती हैं। इन सब को देखते हुए समाज में एक ऐसी संस्था है हेलो फाउंडेशन, जिसके अंतर्गत इस संस्था के जो अध्यक्ष हैं अश्विनी कुमार जी ने बताया है कि इनकी संस्था का उद्देश्य यह है कि यह समाज में अपने वर्ग के लोगों का, जो भी किसी वर्ग के धर्म या जाति समुदाय से संबंधित हैं, जिनके पास विवाह करने में किसी प्रकार कठिनाई होती है, तो यह सामूहिक विवाह का आयोजन करते हैं, जिसमें वह व्यक्ति अपने यहाँ के लड़का या लड़की जिसका भी विवाह करना चाहते हैं समाज में आके संगठन होकर अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इनकी संस्था कई सालों से इस तरीके के अन्य कार्य, जैसे मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है या फिर स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना है, इसके रूप में कार्य कर रही है। तथा इनसे इन्होंने बताया है कि वार्ता में बताया कि 10 मई 2020 को इनका ये कार्यक्रम होगा, जिसमें कई जोड़ों को सामूहिक रूप से विवाह कराया जाएगा। मजदूर है, बच्चे पढ़ा दिए, अच्छे हैं बच्चे उनके, लेकिन शादी करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। तो ऐसे लोगों से हम लोगों ने संपर्क किया है और लगभग 5 जोड़े तो वाल्मीकि समाज के जो पार्टी उन्हीं लोगों की कर रहे कार्यवाही थी, 5 जोड़े हमने करने निर्णय लिया है। उसमें जो और भी लोग संपर्क में है, अगर ज़्यादा भी हो जाएंगे तो ज़्यादा भी कर देंगे। इसका अरेंजमेंट कैसे कर रहे हैं आप? इसका अरेंजमेंट करने के लिए जो हमने आज बैठक बुलाई थी जी, तो इस बैठक का उद्देश्य ये था कि जहाँ बुद्धिजीवी लोग हैं, सामाजिक हैं, उनकी सोच जो है वो समाज के प्रति, वो नजरिया उनका जो हमारा समाज कैसे आगे बढ़े, इनकी कैसे मदद की जाए, तो ऐसे लोग जो दिल में अपने रखते हैं उनको यहाँ मदद किया गया था। तो उस कार्यक्रम को हमने पूरा फ्लैस आउट किया, ये कार्यक्रम होना है और जो खर्च था उसका कार्यक्रम का, वो हमने एक ब्रीफ बनाया था उसका पूरा, उसमें सारे तरह खर्चे हुए थे, सामग्री से लेके और उसको आयोजन करने में जो भी खर्चा आ रहा है। तो इन लोगों से ये केवल एक अपनी बात हमने अपनी रखी है, ये कहा कि जो इसमें सामग्री लिखी हुई है, यदि कोई सज्जन इसमें चाहता है कि हम भी पार्टिसिपेट करें इसके आयोजन में, तो उसको कर सकता है। उसके लिए उनको समय दे दिया गया है। तो उसमें नेक्स्ट बैठक जो हमारी होगी वो होली मेला समारोह के रूप में होगी, एक हफ्ते बाद या एक हफ्ते के अंदर इसी बीच में, उसमें दोबारा पूरा फिर आएंगे। तो लगभग इतना समय दिया गया इन लोगों को कि ये सोच के आए कि हमें क्या करना है, क्या कर सकते हैं। और उसी में वो जोड़े जो हमारे यहाँ जो आ चुके होंगे, उनका रजिस्ट्रेशन हो गया होगा, वो जोड़ों का भी उनके सामने नाम, पता और पिता का नाम प्रस्तुत कर दिया जाएगा, कितने लोग हमारे पास आ गए। क्या बीपी न्यूज़ के माध्यम से अपनी ये बात कहना चाह रहे हैं कि जो होली मेला समारोह है वो होली के ठीक बाद होगा, और मैं उसका आभारी हूँ और मैं चाहता हूँ बीपी न्यूज़ जो है उस कार्यक्रम में शिरकत करे। मैं उसका आज अभिनंदन करता हूँ। इसी के साथ लोग वो भी किसी माध्यम से हेलो के हमें सोचना है कि वो क्या दे रहे हैं, हम कैसे ले रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, उनको आना तो चाहते हैं। समाज सेवा में सुधार की बात हो रही है, इसमें खुशहाल होके आना चाहिए, सामाजिक दृष्टि से खुशहाल होके आना चाहिए और समाज में ये बताना चाहिए कि हम खजाट हैं, हम ये ले रहे हैं, हम वो दे रहे हैं, हम ये सब कुछ कर रहे हैं। दूसरा गरीब भी आना चाहिए, वो भी सोचे कि हम आए हैं, हम हेलो के माध्यम से शादी कराना चाहते हैं। तो हमारी आज की सोच ये है, जो सुझाव है वो ये है कि इस जियो से प्रेम रखें और इसके माध्यम से ही शादी करें, तो 2 मिनट के लिए आए कोई बात नहीं है,